नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टारक बीर तालुक में। एक बार पुनः मैं गौरव रंजन अपने भूगोल विषय के साथ, वर्ल्ड मैप के साथ हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और कल हम लोगों ने एशिया महाद्वीप का पहला भाग पढ़ लिया था, आज हम लोग एशिया महाद्वीप का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको एशिया के फिजिकल मैप से अवगत कराऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो कुछ चीज़ें मैं आपको कल समझा दिया था, जो चीज़ें रह गई हैं उनको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं भारत देश से। भारत देश, और देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है आपको दक्कन प्लेटू लिखा है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ भारत के भूगोल में आपको कि दक्कन पठार कहाँ पर है, भारत में है। चलिए दक्कन पठार के जब ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक शब्द लिखा मिलेगा, हिमालय। क्या शब्द लिखा है? हिमालय। आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? हिमालय पर्वत का विस्तार कितने देशों में है? हाँ, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिएगा, ये है आपका हिमालय, ये आपका हिमालय है, और हिमालय के पास यहाँ पर जो देश है भारत, यहाँ पर जो है वो नेपाल है, उसके बाद एक तिब्बत में चला जाता है, और तिब्बत में इसको नाम दिया जाता है कैलाश पर्वत। याद रखिएगा जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको, इस सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेपाल, तिब्बत में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में हिमालय को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, कैलाश पर्वत, ठीक ना। उसके बाद ये नीचे की ओर मुड़ जाता है, ऐसा नीचे की ओर मुड़ गया और आ गया म्यांमार में। कल मैंने आपको बताया था म्यांमार में इसको एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है अराकान योमा। क्या नाम दिया जाता है? तो इसको नाम दिया गया म्यांमार देश में अराकान योमा। तो हो गए आपके चार देश, भारत, नेपाल, तिब्बत और म्यांमार। उसके आगे देखिएगा, इसका एक भाग ऐसा ऊपर की ओर चला जाता है, यानी ऊपर की ओर ऐसा ये चला गया आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में इसको नाम दिया गया हिंदू कुश। अफगानिस्तान में किस नाम से जानते हैं? हिंदू कुश। और एक इसका चला गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसको एक नाम दिया जाता है, पाकिस्तान में नाम दिया जाता है सुलेमान, सुलेमान पहाड़ी। पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान में इसको सुलेमान पहाड़ी कहते हैं। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो छह देशों में है, अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ी, भारत में हिमालय, नेपाल में हिमालय, होगा चार देश, तिब्बत में कैलाश पर्वत, और म्यांमार देश में इसको नाम दिया जाता है अराकान योमा। तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो कितने देशों में है? हिमालय पर्वत का विस्तार आपके छह देशों में है। कितने देशों में है? तो हिमालय पर्वत का विस्तार आपका छह देशों में है, ठीक ना। हिमालय, कल हमने आपको बताया था हिमालय पर्वत के ऊपर तिब्बत है, और तिब्बत में पठार है जिसका नाम है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार को हम पामीर का पठार के नाम से भी जानते हैं। तिब्बती लोग तिब्बत के पठार को तिब्बत का पठार ना कहकर नाम दे देते हैं पामीर पठार, पामीर का पठार, याद रखिएगा, ठीक ना। पामीर के पठार के जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे, पामीर के पठार के ऊपर बढ़ेंगे, तिब्बत में एक मरुस्थल है, तिब्बत देश में एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है तकला मकान डेजर्ट। नाम याद रखना है, तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तकला मकान मरुस्थल कहां पर है? तिब्बत में है। कहां पर है? तिब्बत। जबकि तकला मकान के अगर उत्तर पूर्व दिशा में देखेंगे तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर, चीन और मंगोलिया की सीमा पर एक मरुस्थल है, और इस मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? तो इस मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। तो अब हो जाता कि गोबी मरुस्थल कहां पर है? तो गोबी मरुस्थल जो आपको है वो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल में क्या है? पीली मिट्टी पाई जाती है। गोबी मरुस्थल में पीली मृदा पाई जाती है, गोबी मरुस्थल में पीली मृदा पाई जाती है, पीली। और यहाँ पर जो पीली मृदा पाई जाती है, इस पीली मृदा को एक नाम दिया जाता है, पीली मृदा को एक नाम दिया जाता है लोएश मृदा। पीली मृदा को एक नाम दिया जाता है, और पीली मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो पीली मृदा को नाम से जानते हैं लोएश मृदा। किस नाम से जानते हैं? लोएश मृदा के नाम से जानते हैं। हुआ क्या कि यहाँ गोबी डेजर्ट है, और गोबी मरुस्थल में पीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से तब जब हवाएं चलती हैं तो हवा क्या करती है? इस पीली मिट्टी यानी लोएश मृदा को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, अपने साथ उड़ा के ले जाती है। और यहाँ पर एक नदी बह रही है चीन में, जिसका नाम है यांगत्शी नदी।
एक नदी है जिसका नाम है यांग्त्सी नदी, और यांग्त्सी नदी के पहले ऊपर एक और छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है हांगहो नदी। ठीक ना, तो मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ एक छोटा सा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आपको आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर एक मरुस्थल है और इस मरुस्थल का नाम है गोभी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? गोभी मरुस्थल। पीली मिट्टी पाई जाती है। गोभी मरुस्थल से जब हवाएं चलती हैं तो हवा क्या करती है, ये जो पीली मृदा है आपकी, पीली मृदा, इस पीली मृदा को उड़ा के ले जाती है और यहाँ पर एक नदी बह रही है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है हांगहो नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है हांगहो नदी। तो पीली मृदा क्या करती है, सॉरी, हांगहो नदी में क्या होता है, जो पीली मृदा है वो पीली मृदा उड़ के हांगहो नदी में आ जाती है। अब आप ये बताइएगा, जब पीली मिट्टी उड़ के हांगहो नदी में आ जाएगी तो हांगहो नदी का जल किस प्रकार का हो जाएगा? पीला। इसलिए हांगहो नदी को एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया पीली नदी। हांगहो नदी को एक नाम दे दिया गया और नाम क्या दे दिया गया? हांगहो नदी को एक नाम दे दिया गया पीली नदी। तो गोभी मरुस्थल से जो हवाएं चलती हैं वो हांगहो नदी में आकर अब पीली मिट्टी मिला देती हैं, जिस कारण से हांगहो नदी का जो जल है वो पीला हो जाता है और इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है पीली मृदा। हांगहो नदी के नीचे एक और नदी बहती है ऐसे, ठीक ना। ये दोनों नदियां अपना पानी कहाँ गिरा रही है? ईस्ट चाइना सी में। ईस्ट चाइना सी में दोनों नदियां अपना पानी गिराती हैं। ईस्ट चाइना सी में क्या करती हैं? अपना जल गिराती हैं, चाहे हांगहो हो। और दूसरी जो नदी है, इस नदी का नाम है यांग्त्सी नदी। तो हांगहो नदी और यांग्त्सी नदी अपना जल कहाँ गिराती हैं? पूर्व चीन सागर में। कहाँ पर अपना जल गिराती हैं? तो अपना जल गिरा देती हैं पूर्व चीन सागर में, अपना जल गिराती हैं। जो आपकी यांग्त्सी नदी है, कहने को तो यांग्त्सी है, आप यांग्त्सी पढ़िएगा, चीनी लोग ता शब्द नहीं बोल पाते इसलिए यांग्त्सी पढ़ते हैं। जो आपकी यांग्त्सी नदी है यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। फिर से सुन लीजिएगा, जो आपकी यांग्त्सी नदी है जो कि चीन देश में बहती है, यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। एशिया महाद्वीप की है सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांग्त्सी नदी। यांग्त्सी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर मान लीजिएगा ये पूछा जाता है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइएगा, तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वो यहां बहती है, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश में। भारत, तिब्बत और बांग्लादेश में एक नदी बहती है, नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, जबकि यांग्त्सी नदी जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी है। यांग्त्सी कहाँ बहती है? चीन में बहती है। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बह रही है? तो तिब्बत भारत और बांग्लादेश में। कौन सी नदी बहती है? तो आपको याद रखना है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, और यही एशिया की सबसे बड़ी नदी है। जबकि चीन में एक नदी बहती है यांग्त्सी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एक नदी और यहाँ पर बहती है, इंपॉर्टेंट है, चीन में ही एक और नदी बहती है, रेड नदी। आपको याद रखना है रेड नदी, ये भी चीन में बहती है। एक बार आईएएस के एग्जाम में क्या हुआ, इन तीनों नदियों का क्रम पूछ लिया गया, रेड नदी, हांगहो नदी और यांग्त्सी नदी का दक्षिण से उत्तर में क्रम क्या है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी है? रेड। रेड के उत्तर में यांग्त्सी, और यांग्त्सी के उत्तर में, तो यांग्त्सी के उत्तर में हांगहो नदी। तो सबसे दक्षिण में रेड, रेड के उत्तर में यांग्त्सी, और यांग्त्सी के उत्तर में कौन सी है? तो यांग्त्सी के उत्तर में पीली नदी, सॉरी, कौन सी है? हांगहो नदी या येलो रिवर। ठीक ना, आपको नाम याद रखना है। ठीक ना, आपको ये सारे नाम याद रखने। इतना हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पर वियतनाम, कंबोडिया का जो क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र, थाईलैंड का क्षेत्र है, जो नदी इंपॉर्टेंट थी वो हमने कल आपको बताया था। अब देखिएगा, हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए तकला मकान डेजर्ट, यहाँ पे पढ़ लिए गोभी मरुस्थल। अब गोभी मरुस्थल के आगे बढ़ेंगे ऊपर क्यों, तो यहाँ पर देश है मंगोलिया, और मंगोलिया में एक मैदान है, मंगोलिया के पूरब में एक मैदान है जिसे मंचूरिया का मैदान बोलते हैं।
मंचूरी, मंचूरियन तो समझते होंगे ना, ठेले पे बिकता है, हाँ स्ट्रीट फूड है एक प्रकार का मंचूरियन। तो मंचूरियन आया कहाँ से? मंगोलिया से। मंगोलिया में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र को नाम दिया गया मंचूरिया का मैदान। पूछ लिया जाता है मंचूरिया का मैदान का संबंध किस देश से है, तो आपको देश का नाम याद रखना है, मंगोलिया का मैदान का, सॉरी मंचूरियन मैदान जो है वो मंगोलिया से। अब अगर इसके ऊपर बढ़ेंगे मंगोलिया के, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? रूस में। कहाँ पहुंच जाएंगे? रूस। और रूस के किस वाले क्षेत्र में पहुंचेंगे? तो हमने आपको पहले भी समझाया है कि रूस एक ऐसा देश है जो एशिया, रूस एक ऐसा देश है जो एशिया में है, और एशिया, एशिया के साथ साथ कहाँ है? यूरोप में है। एशिया में और एशिया के साथ साथ यूरोप में है। तो रूस का वह भाग जो एशिया में, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? साइबेरिया। उसको हम क्या नाम दे देते हैं? साइबेरिया। साइबेरिया उसको हम क्या नाम दे देते हैं? साइबेरिया। और इसी साइबेरिया में, कल मैं आपको बताया था कि इसी साइबेरिया में एक झील है जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। झील का नाम क्या है? तो झील का नाम है आपकी बैकाल झील। यह जो आपकी बैकाल झील है, यह एशिया महाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है। पूरे विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सी? तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बैकाल। तो बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक ना? बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक ना? हो गया। अब देखिएगा, यहां पर हम साइबेरिया की बात कर रहे हैं। साइबेरिया में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनसे मैं आपको अवगत करा रहा हूं। यहां पर एक नदी बह रही है ऐसी, इस नदी का नाम है ओब नदी। क्या नाम है? ओब नदी। यहां पर एक नदी बह रही है ऐसी, इसका नाम है एनशी नदी। एनशी। यहां पर एक नदी बह रही है ऐसा, इसका नाम है लीना। और एक नदी यहां पर बह रही है जिसका नाम है कोलियामा। ओब, एनशी, लीना, कोलियामा, साइबेरिया की चार महत्वपूर्ण नदियां, ओब, एनशी, लीना, कोलियामा। ये तो डायग्राम में ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहां बनाता हूं आपके लिए। साइबेरिया, साइबेरिया में चार महत्वपूर्ण नदी याद रखनी है आपको। एक नदी ऐसे बह रही है, इस नदी का बाबू नाम है ओ ए बी ओ, ठीक ना? ओ के बाद एक नदी बह रही है, इसका नाम है एनसी। ओ के बाद एक नदी है एनसी। एनसी के बाद एक नदी बह रही है, इसका नाम है लीना। लीना। और लीना के बाद एक नदी बह रही है, इसका नाम है कोलियामा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोलियामा। तो ये चार महत्वपूर्ण नदियां हैं, चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी का नाम है ओब, एक का नाम एनसी, एक का नाम है लीना, और एक का नाम है कोलियामा, ठीक है ना? चारों के चारों नदियां उत्तर, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, और एशिया महाद्वीप के उत्तर में एक महासागर है, और इस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? तो यहां पर एक महासागर है, और इस महासागर का नाम क्या है? आर्कटिक महासागर। तो ओब, एनसी, लीना और कोलियामा, ओब, एनसी, लीना और कोलियामा साइबेरिया की नदियां हैं। और अगर आप ओब से कोलियामा की ओर जा रहे हैं, तो आप पश्चिम से कहां की ओर जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। तो आप कहां से कहां की ओर जा रहे हैं? तो आप पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं। कई बार पूछ लिया जाता है इन्हीं चार नदियों का, ये चार नदियां दे देगा। साइबेरिया की चार नदियां आपके सामने हैं। इन नदियों को पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। तो इसी प्रकार से आपको व्यवस्थित कर देना है। सबसे पश्चिम में नदियों में ओब है, और सबसे पूरब में नदियों में कोलियामा है, ठीक ना? तो एक का नाम कोलियामा, और एक का नाम क्या है? एक का नाम है ओब। चलिए, तो यहां साइबेरिया की नदियां हैं, साइबेरिया की, ठीक ना? साइबेरिया की चार महत्वपूर्ण नदियां हैं, और चारों महत्वपूर्ण नदियां अपना पानी कहां गिराती हैं? तो ऊपर एशिया के उत्तर में एक महासागर है जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। चारों नदियां अपना जल जो है वो आर्कटिक महासागर में गिराती हैं। चलिए, इतना हो गया, इतना हो गया। तो नीचे बढ़ाते हैं, नीचे जब बढ़ाएंगे तो अब हम भारत से सूर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पर अफगानिस्तान है, हम बता चुके हैं। उसके बाद ईरान में एक पर्वत है जिसका नाम है जागरूस पर्वत। पर्वत पूछे लिए जाते हैं, जागरूस पर्वत,
एक पर्वत है और इस पर्वत का नाम है जागरूस पर्वत। कहाँ पर है? तो जागरूस पर्वत आपका जो है वो ईरान में। जागरूस पर्वत हो गया। एक और है जागरूस पर्वत के ऊपर, जो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। काकेशस पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो यूरोप और एशिया के मध्य आपकी सीमा बनाता है। तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है काकेशस, ठीक ना। काकेशस पर्वत के आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर कई छोटे छोटे देश हैं। अजरबैजान है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, तुर्की है, सीरिया है, इराक है, कुवैत है, ठीक ना, ये सारे हैं। यहाँ पर एक प्रायद्वीप है। इस प्रायद्वीप के बारे में भी हम आपसे कल चर्चा किए थे। इस प्रायद्वीप का नाम है अरब प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप और ये प्रायद्वीप है या विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप पर यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम अरब प्रायद्वीप, देख लीजिएगा, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पर एक नहीं बल्कि दो मरुस्थल है। एक मैं कल बताया था, आज मैं दोनों बता दे रहा हूँ। एक का नाम है रूब अल खाली, रूब अल खाली। एक मरुस्थल का नाम क्या है? रूब अल खाली। और दूसरा मरुस्थल जो है उसका नाम है अल नफूद, अल नफूद। ये दोनों कहाँ पर हैं? अरब प्रायद्वीप में है। अगर देश की बात करें तो किस देश में है? तो ये दोनों मरुस्थल आपके सऊदी अरब में है। दोनों मरुस्थल आपके कहाँ पर हैं? तो दोनों मरुस्थल ये आपके सऊदी अरब में है। कौन कौन से? तो एक का नाम है रूबल खाली और एक का नाम है अल नफूद। तो दोनों आपके कहाँ पर हैं? आपके सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो क्षेत्र है वो खनिज तेल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बल्कि हम ऐसा कहें कि अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र ही, चाहे ईरान इराक का क्षेत्र हो, चाहे सीरिया हो, ठीक ना, कुवैत है, यनम है, ओमान है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र यानी अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? खनिज तेल के लिए जाना जाता है। और आप याद रखिएगा, खनिज तेल के साथ साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, सेंटेंस ऐसा ही आता है पूरा कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के लिए जान सर्वाधिक या सबसे ज्यादा धनी, या खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा या सबसे धनी प्रायद्वीप कौन सा है? तो आपको नाम याद रखना है, अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है? तो प्रायद्वीप का नाम है आपका अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप है, ठीक ना। अरब प्रायद्वीप की बाकी कहानी मैं पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर यूएई है। यूएई 10 छोटे छोटे शहर थे या 10 छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने मिलकर अपना एक गठन कर लिया, संगठन बना लिया, और उसी संगठन को नाम दे दिया गया यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। उसी के अंतर्गत, संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत एक छोटा सा देश था जिसका नाम है दुबई। क्या नाम है? दुबई। तो दुबई भी यूएई के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यूएई, ठीक ना। हाँ, यूएई के अंतर्गत आता है आपका दुबई, ठीक ना। चलिए, इतना इस साइड की बात हो गई। कल मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जो कल मैं पढ़ा दिया था वो थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करता चलूंगा। कल मैंने आपको बताया था कि ईरान और इराक के क्षेत्र से होते हुए दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। एक का नाम है यूफ्रेटस, एक का नाम है टिग्रिस। एक का नाम क्या था? यूफ्रेटस, और एक का नाम था टिग्रिस। इन्हीं नदियों को प्राचीन काल में दजला और फरात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो इन नदियों को प्राचीन काल में दजला और फरात, और इन्हीं दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। कहाँ? ईरान और इराक के क्षेत्र में, दजला और फरात नदियों के क्षेत्र में, ठीक ना। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं। हम वापस आ रहे हैं, भारत की ओर वापस आ रहे हैं। भारत की ओर जब आप वापस आइएगा तो यहाँ पे कजाकिस्तान का क्षेत्र है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। एक नदी का नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं। एक नदी का नाम है अमूदरिया, एक नदी का नाम है अमूदरिया, और दूसरी नदी का नाम है सरदरिया। अमूदरिया और सरदरिया, ठीक ना। पूछी जाती है अमूदरिया और सरदरिया, अमूदरिया और सरदरिया कहाँ की नदियां हैं? तो मध्य एशिया की नदियां हैं। मध्य एशिया के अंतर्गत पांच देश आते हैं। कल मैंने आपको बताया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, बताया था ना, कजाकिस्तान। तो इस प्रकार से किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इस प्रकार से कितने देश हैं? पांच छोटे छोटे से देश हैं जिसमें कजाकिस्तान सबसे बड़ा है,
ठीक ना, इन्हीं पांच छोटे छोटे देशों को हमने एक नाम दे दिया, और नाम क्या दे दिया, नाम दे दिया हमने मध्य एशिया। देखिए यहाँ पर है, एक हो गया कजाकिस्तान, एक हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, एक हो गया आपका उज्बेकिस्तान, एक हो गया किर्गिस्तान और एक हो गया ताजिकिस्तान। तो यही पांच देश हैं, इन्हीं पांच देशों को सम्मिलित रूप से हमने एक नाम दे दिया, और नाम क्या दे दिया, मध्य एशिया के देश। तो मध्य एशिया के देश के अंतर्गत पांच देश आपके शामिल हैं, पांच देश, ठीक ना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो कजाकिस्तान के क्षेत्र में हमने आपको दो नदियों से अवगत कराया, एक का नाम है सरदरिया और एक का नाम है अमूदरिया। तो सरदरिया और अमूदरिया यहाँ की नदियाँ हैं, ठीक ना। तो ओवरऑल पूरा हो गया ये आपका एशिया महाद्वीप पूरा हो गया। एक और यहाँ पर चीन में एक पर्वत है, इस पर्वत को नाम याद रख लीजिएगा, अल्तई माउंटेन पूछ लिया जाता है, अल्तई पर्वत। और जो अल्तई पर्वत है ये आपका कहाँ पर है, तो अल्तई पर्वत आपका चीन में है, याद रखिएगा। देखिएगा अब जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, और मैं जिस एग्जाम की आपको तैयारी कर रहा हूँ NTPC, अब देखिएगा प्रत्येक परीक्षा का एक स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड है मैं उसी को देख कर चल रहा हूँ। तो हाँ, ये मेरी गारंटी से बात है, जो NTPC या लोअर के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सफिशियंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाहर क्वेश्चन आए तो आप मुझसे मिलेगा। आपको बस दो काम करने हैं, मैं जितने भी मुँह से अपने देशों के नाम बोल रहा हूँ वो आपको गूगल की सहायता से या एटलस की सहायता से देश और देश के सामने उसकी राजधानी लिख लेना है। और अगर आपके पास अगर एटलस है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एटलस के पीछे सारे देश हैं और उनकी राजधानी आप याद कर लीजिएगा, और राजधानियों के साथ साथ मुद्रा, क्योंकि राजधानी और मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन ना केवल भूगोल में बनते हैं बल्कि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी बनते हैं। कई बार मैंने देखा है कि आपको एक देश दे रहा है ब्राज़ील, ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद एक देश देख दिया उसने आपको वेनेजुएला, उसके बाद ऐसा दे देता है कभी क्वेश्चन, ब्राज़ील वेनेजुएला, ठीक ना, यहाँ पर उसने दे दिया इंग्लैंड, और यहाँ पर आपसे देश पूछा जा रहा है। तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का है, वेनेजुएला भी दक्षिण अमेरिका का है, इंग्लैंड कहाँ का, यूरोप का। तो आप देख लीजिएगा जो भी चार ऑप्शन होंगे उसमें कोई ना कोई एक यूरोप का देश होगा, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये केवल आपका भूगोल के दृष्टिकोण से ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इससे संबंधित क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार तो देखा जाता है कि मुद्रा पूछ ली जाती है, दो देश दे गए होंगे उनकी, या तो राजधानी पूछ ली जाती है या मुद्रा। तो प्रत्येक देश की तो मुद्रा पढ़ाना संभव नहीं है, तो आप इसके लिए काम कीजिएगा, जो एटलस होगा आपके पास उस एटलस में पीछे सारे देशों की राजधानी और उनकी महत्वपूर्ण मुद्राएं लिखी हुई हैं, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं, चीन के आगे यहाँ पर एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कोरिया प्रायद्वीप। क्या नाम है, कोरिया प्रायद्वीप है। कोरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत दो देश आते हैं, एक का नाम है उत्तर कोरिया और एक का नाम है दक्षिण कोरिया। तो एक का नाम है उत्तर कोरिया और एक का नाम है दक्षिण कोरिया। ये दोनों के दोनों जो कोरिया है, इन दोनों को एक रेखा है जो अलग करती है, उस रेखा का मान है कितना, तो आपको याद रखने का तरीका बता दे रहा हूँ मैं, 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो कहाँ से कनाडा और USA को अलग करती है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी याद रखना 39 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो दो देशों को अलग करती है, उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया। तो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करने वाली श्रृंखला का अक्षांश रेखा का नाम, तो आपको नाम याद रखना है 39 डिग्री। कितना है, 39 डिग्री, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के संबंध में दूसरा क्वेश्चन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप हैं, प्रायद्वीप पर बसे हैं, कोरिया प्रायद्वीप पर। हमने आपको ये समझाया कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जमीन का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर, जमीन का एक ऐसा भाग जिसके तीन ओर जल हो। तो पूछ लेगा कोरिया प्रायद्वीप के पास कौन कौन से सागर है, तो ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर चीन जापान सागर है, और यहाँ देखेंगे तो येलू सागर है, और यहाँ देखेंगे ईस्ट चाइना सी। तो कोरिया प्रायद्वीप के तीन ओर जो सागर है, सागरों के नाम, तो एक का नाम जापान सागर, एक का नाम पीला सागर येलो सी, और एक का नाम ईस्ट चाइना सी। जापान सी, ईस्ट चाइना सी और येलो सी, ये तीन सागरों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हमने एक नाम दे दिया, और नाम दे दिया हमने क्या, नाम दे दिया हमने कोरिया प्रायद्वीप। क्या नाम दे दिया, नाम दे दिया हमने कोरिया प्रायद्वीप। तो ओवरऑल मैंने आपको एशिया महाद्वीप पूरा का पूरा फिनिश कर दिया कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में। अब यहाँ पर आते आते हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया पूरा समाप्त।
वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा पूरा समाप्त हो गया। इसके आगे की जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो आपको वीडियो में बताई जाएगी कि इसके आगे क्या चलना है, कौन सा सब्जेक्ट चलना है, ठीक ना। तो आज यही रख लेते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। सर अभी 25 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं क्या, वो फिर एक है पढ़ा रहे हैं सर। चलिए गए सर, हैं चले गए, फिर क्या पढ़ा